खुर्सीपार में युवक मलकीत सिंह की हत्या के बाद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और बढ़ते क्राइम ग्राफ को और मृतक के परिजनों को मुआवजा के साथ सरकारी नौकरी की मांग को लेकर बीती रात सांसद विजय बघेल धरना स्थल पर पहुंचे। इस अवसर पर मौजूद भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि पीड़ित परिवार की मांग अनुरूप जब तक उन्हें संतुष्ट नहीं किया जाएगा वे धरना जारी रखेंगे। वहीं सांसद विजय बघेल ने कहा कि पीड़ित परिवार के द्वारा जो मांग की जा रही है वह जायज है। सांसद ने कहा कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जाकर 50-50 लाख बांट रहे थे उन्हें मलकीत की परिजनों की मांग भी माननी होगी। रात की बात है, 24 घंटा पहले यही भाई मलकीत जी अपने दोस्त के साथ बैठे थे, कुछ मूवी देख रहे थे, ऐसी जानकारी मुझे है जहाँ तक मुझे जानकारी है, और भारत माँ की जय के नारे बुलवा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आया जो नशे की हालत में दारू पीते बैठे थे, नशे की गोलियाँ भी खाए थे। उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका इन्फ्लुएंस यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ है, कुछ एक विशेष वर्ग के लोग थे शायद उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान जिंदाबाद ना बोलें, भारत में भारत जिंदाबाद ना बोलें, वो लोगों को अच्छा नागरिक ऐसे लोग हैं, और उसी से आकर्षित होकर 5-6 लोग लात घूसों से उसको मारे, इतना मारे कि सुबह सुबह तक तो दम तोड़ दिए। और भाई कुलवन जी जो समाज के यहाँ मस्जिद के अपने गुरुद्वारा कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं, जिम्मेदार पद में, आज पूरा सिख समाज उद्वेलित है, और सिख समाज वो समाज है जो देश के लिए अपनी आन बान शान नहीं देखी, वो देश के आन बान शान के लिए मर मिटे, और उनके साथ साथ हम लोग भी हैं एक पारिवारिक रूप में, जनप्रतिनिधि होने के नाते भी और परिवार के सदस्य होने के नाते भी, आज दिन भर 12 घंटे से यहाँ पर इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो रिपोर्ट लिखे गए, बड़ी मुश्किल से वो धरे गए, एक तो अभी फरार है, 5 पकड़े गए ऐसा बता रहे हैं, और वो लोग को मेहमान की तरह वहाँ भट्टी थाने में कहीं बिठाए हुए हैं। परिवार का मांग है, दुखी परिवार का मांग है, जिनके साथ ये हादसा हुआ है, ये क्रूर हत्या हुई है उसके बच्चे की, वो रो रो कर बोल रहे हैं कि सरकार एक संवेदना भी नहीं दे पा रही हमको। यहाँ के जो कांग्रेस के सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि हैं संवेदना के दो शब्द पूछ रहे हैं, यहाँ आ नहीं रहे हैं, और हम जो मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से भेज रहे हैं खबरें, पुलिस विभाग यहाँ बैठी है कि 50 लाख रुपया मुआवजा दे, एक नौकरी दे, क्योंकि छोटा छोटे इनके बच्चे भी हैं मलकीत के, विधवा पत्नी है, और परिवार का जिम्मेदार कमाने वाला ये बच्चा था, परिवार आज बेसहारा हो गया, और इनको बाहर जा जा के यहाँ के मुख्यमंत्री जब 50-50 लाख रुपया बांट सकते हैं यूपी में, तो अपने यहाँ क्यों नहीं दे सकते। और ये कानून व्यवस्था जो चरमराई हुई है, नशे के अंबार है यहाँ, उसका दुष्परिणाम फिर से एक बार एक युवा ने यहाँ पे अपने प्राण की आहुति देकर ये झेला है, और जो भी घटनाएं होती हैं उसके पीछे वाकई में नशाखोरी बहुत बड़ा एक कारण बना हुआ है, जो निरंकुशता से ये कांग्रेस सरकार में चल रहा है। कोई बच्चा एक वीडियो देख रहा, कोई गदर टू की पिक्चर, और जिसका उन लोगों को कोई लेना देना नहीं, वे लोग इतने आक्रोशित होकर के और इतने मतलब वो बेखौफ हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमारा कोई क्या बिगाड़, उनको लगता है कि सरकार हमारे साथ खड़ी, और इसलिए हम सब मलकीत सिंह जो जिसकी हत्या हुई है उसके पिताजी और इनके संतुष्टि तक, इन्होंने कहा है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती ये मरचुरी से नहीं ले आएंगे, तब तक हम सब इनके साथ हैं, और जैसा ये चाहेंगे वैसी लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है।